हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इमरहमान यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, ये फैमिली ट्री यानी वंश वृक्षों के बारे में एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रहा है। वीडियो को पूरा देखना तभी आपको समझ आएगा। उससे पहले वीडियो को देखते देखते एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का घंटी दबा दीजिए। तो चलिए इस बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है जल्दी से जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, पासपोर्ट पाने के लिए बंगालियों को पारिवारिक पेयर यानी फैमिली ट्री दिखाना होगा। वीडियो को पूरा देखिए, बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन। ये भी देखिए, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NRC के आसपास के डर से शहर में बंगाली डिनीजेंस को जकड़ लिया है। देश में अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठने के बाद और असम में NRC लागू किया गया था, खासकर बंगाल और पूर्वोत्तर के लोगों के लिए पासपोर्ट सहित प्रलेखन के लिए आवेदन करना मुश्किल हो गया है। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति पासपोर्ट के लिए आवेदन करता है तो शहर के पुलिस द्वारा उनकी राष्ट्रीयता, वर्तमान पता कि क्या उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड है इत्यादि का पता लगाने के लिए चेक की एक श्रृंखला की जाती है। हालांकि शहर के हालिया खातों के अनुसार पश्चिम बंगाल से पलायन की वजह से ही ये उनकी अपनी राष्ट्रीयता नहीं थी, बल्कि उन्हें अपने माता पिता को भी साबित करना था। हाल ही में शहर एक के एक पासपोर्ट धारक को पुलिस ने उसके पिता के वैध ID प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा था, रोजगार के प्रमाण के अलावा जैसे कि रेशन कार्ड। पुलिस ने आवेदक के धर्म और जाति के बारे में पूछताछ की थी। एक्सप्रेस से बात करते हुए सिटी पुलिस की विशेष शाखा के पासपोर्ट सत्यापन सेल के PP रवि किरण ने कहा, किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता का पता लगाना और क्या उनका आपराधिक रिकॉर्ड है पासपोर्ट सत्यापन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। हम बंगालियों और पूर्वोत्तर राज्य के लोगों की राष्ट्रीयता की जांच कर रहे हैं और उनके परिवार के पैर का सत्यापन भी कर रहे हैं। इसके बाद देखिए, रवि किरण का कहना है कि ये केवल IR संदिग्ध मामले में परिवार के पैर का सत्यापन करते हैं। यदि व्यक्ति 4 साल या उससे कम समय से शहर में है और उसके पास एक स्वीकृत पहचान पत्र भी है जिसे उन्होंने स्थानीय स्तर पर खरीदा है, वह पहचान पत्र प्राप्त करना बहुत आसान है, उन्होंने कहा। इस स्तर के सत्यापन के परिणाम के रूप में आता है, जैसे कि रवि किरण कहते हैं कि रोहिंग्याओं के अवैध वार्ड और अवैध रूप से बांग्लादेशी प्रवासियों, विशेष रूप से हैदराबाद के ओल्ड सिटी क्षेत्र में। एक पुलिस अधिकारी का कहना है कि ये इसलिए भी शुरू किया गया है क्योंकि शहर में अवैध प्रवासियों को 3 से 4 पासपोर्ट जारी किए गए थे। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार बांग्लादेशी प्रवासी और रोहिंग्या शरणार्थी पश्चिम बंगाल में प्रवेश करते हैं, फिर वे कथित तौर पर हैदराबाद के लिए अपना रास्ता बनाते हैं जहाँ वे एक निश्चित अवैध के लिए रहते हैं। इसके बाद अधिकारी कहते हैं कि ये अप्रवासी शहर से पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं और दूसरे देशों में जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यही इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है फैमिली ट्री एंड पासपोर्ट के बारे में। आज की इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाला था। मिलते हैं अगले वीडियो के नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।